Happy number 6. प्रोग्राम की विशेष जो हमारी विशेषता रही है कि सभी ने स्वर्ण और सिल्वर के आभूषणों को त्याग कर फूलों के आभूषण पहने हैं और उसी से ही सभी श्रृंगार करके आए हैं। सबसे पहले आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम की तरफ से पूरे करनाल वासियों और प्रदेश वासियों को तीज की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर बात करें तो इस समय हम होटल ज्वेल्स में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश महिला वैश्य महासम्मेलन की करनाल विंग की जो लेडीज विंग है उनकी तरफ से जो है यहाँ तीज का त्यौहार काफी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी जो पोशाकें डालकर यहाँ महिलाएं पहुंची हैं। अगर बात करें तो वैश्य समाज की तरफ से समय समय पर काफी सामाजिक कार्य भी किए जाते रहे हैं और आज जो है आप देख सकते हैं कि तीज का महोत्सव जो है काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। जी आप बताएं कि आज तीज का त्यौहार है, किस तरीके से जो है करनाल में तीज का त्यौहार आप महिलाओं की तरफ से मनाया जा रहा है? हम लोग मेहंदी लगा के और चूड़ियाँ वगैरह डाल के, इससे हमें ये पता लगता है कि अलग अलग होते हुए भी हम सब एक हैं। आप देखिए ये त्यौहार जो है घेवर फिरनी, उसमें भी आप देखो एक एक तार कैसे जोड़ के बनाई जाती है। सारे जो हमारे त्यौहार हैं वो एकता, विभिन्नता होते हुए भी एकता का प्रतीक है। सारा समाज ही अब तीज को, ये खाली हमारा अगर वालों का नहीं है तीज, अब सबका हो गया है। पूरे करनाल में हर क्लबों में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। सारे क्लब सब धर्मों के हैं, सब त्यौहार सब धर्मों के हैं, सिर्फ हमारा बनियों का या हमारा अगर वालों का नहीं है। आप पंजाबियों को देखो, सबने मेहंदी लगवाई है, कलम मेहंदी लगवाने गए सबने लगवाई, चाहे पंजाबी हो चाहे जाट हो चाहे कोई हो, सब इतने शौक से और हमें बहुत खुशी होती है। तो ये आपने देखा कि महिलाओं में काफी उत्साह है और हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। आप बताएं जी आज तीज का त्यौहार है किस तरह से मनाया जा रहा है करनाल में? जी करनाल में मेहंदी मार्केट में बहुत मेहंदी की रौनक है, चूड़ियाँ घेवर फिरनी राखियों की बहुत शॉपिंग है और तीज पे यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं कि हम सब इस त्यौहार को फूलों की एक खुशबू की तरह, मतलब अपनी एक प्यार को खुशबू की तरह, फूलों की तरह महक सके और इस त्यौहार को बड़े प्रेम और सद्भाव से मना सके। तो ये आपने देखा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर अगर बात करें तो करनाल भर से सभी महिलाएं जो है जो वैश्य समाज से साथ जुड़ी हुई है वो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर यहाँ जो है तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वहीं यहाँ पर जो है मेहंदी प्रतियोगिता भी रखी गई है, मेहंदी भी महिलाएं लगाकर पहुंची है। अगर बात करें तो विभिन्न तरह के प्रोग्राम जो है करनाल में तीज के महोत्सव जो है करनाल में किए जा रहे हैं, जिसको लेकर महिलाओं में खास तौर पर विशेष तौर पर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। सभी